Right. Lesson 3, Part 2, Point Wise Summary of the Black Aeroplane by Frederick Forsyth. The sky was clear when the author was flying his old Dakota aeroplane over France to England. जब author यहाँ पर अपने aeroplane, old aeroplane Dakota को लेकर के वो उड़ रहा था, तब उस समय आसमान बिल्कुल साफ था. He was dreaming of his holiday and looking forward to being with his family and thought to take good English breakfast with his family. और वो जो है उड़ान भरते समय अपने घर के बारे में सोच रहा था. He was in the imagination. He was thinking that वो holiday पे अपने family के साथ में जाएगा और अभी वो घर पे पहुंच करके एक अच्छा English breakfast वो करेगा. Everything was going well. सब कुछ अच्छी ही हो रही थी. It was an easy flight. बहुत ही अच्छी flight. बहुत ही अच्छी जो है उड़ान चल रही थी. आसमान एकदम साफ था. Paris was about 150 kilometers behind him. और वो पेरिस कंट्रोल रूम को पीछे छोड़ करके 150 किलोमीटर्स आगे निकल चुका था. ही सॉ द ह्यूज ब्लैक माउंटेन स्टॉर्म क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई. और तभी उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा ब्लैक माउंटेन, एक बड़ा विशाल जो है काले रंग का बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाइयों जैसा एक क्लाउड उसके सामने आ रहा है और जिसके साथ में तेज़ हवाएँ भी हैं. Everything was suddenly black. अचानक सभी कुछ वहाँ पर आसपास प्लेन के सामने क्या हो गया, काला हो गया. The author could not see anything outside the aeroplane. और author जो है अपने aeroplane के बाहर कुछ भी देख नहीं पा रहा था. The old aeroplane jumped and twisted in the air. और जो old aeroplane था वो क्या हुआ, हवा में बिल्कुल उछल गया और पूरी तरह से वो राउंड राउंड बिल्कुल ट्विस्ट हो गया, मुड़ के जो है हवा में घूमने लगा. द कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स सडनली स्टॉप्ड वर्किंग. और अचानक जो कंपास है, रेडियो है, जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काम करना बंद कर दिए. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर हिम ही सॉ अनदर एरोप्लेन. और तभी उसने जो है अपने आसपास जो बड़े ह्यूज जो क्लाउड माउंटेन जैसे जो क्लाउड थे उसी के पास उसने जो है एक दूसरा एरोप्लेन देखा. ही हैड इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. और उसके विंग्स पर कोई भी वहाँ पे लाइट नहीं जल रही थी. बट ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन वो अपने बगल से उसे गुजरते हुए देख सकता था. वो उसके पास से गुजर रहा था, वो देख सकता था. उस पर बैठे हुए पायलट को वो देख सकता था. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. और इन फ्रंट ऑफ ऑथर्स डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर द ऑथर टू फॉलो हिम. और जो दूसरा एरोप्लेन जो उसको बादल में दिखाई दिया उसने जो है नॉर्थ डायरेक्शन में डकोटा के सामने आकर के नॉर्थ डायरेक्शन में अपने प्लेन को टर्न किया जिससे कि जो है जो ऑथर है उसको आसानी से दिखाई दे. इसलिए वो उसके एरोप्लेन के आगे जो है जा करके वो नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न किया और उसने उसको फॉलो करने के लिए बोला. सडनली द ऑथर केम आउट ऑफ द क्लाउड्स. और अचानक जो है उस प्लेन के पीछे पीछे जो है उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे वो क्लाउड से बाहर आ जाता है. एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ हिम. और फिर वो अपने सामने रनवे देखता है और वहाँ पर उसकी एरोप्लेन लैंड करती है. इट वॉज अ रनवे. और वो क्या होता है, रनवे होता है एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट का रनवे होता है. ही वॉज सेफ. वो उस बादल उस तूफान से बिल्कुल सेफली जो है लैंड करता है, उससे तूफान से वो बाहर आ जाता है. The author turned to look for his friend to the black aeroplane, but the sky was empty. ऑथर फिर यहाँ पर वो घूम करके ढूंढता है अपने फ्रेंड को. उस ब्लैक एरोप्लेन पे जो बैठा हुआ था पायलट उसको ढूंढता है. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन अचानक जो है आसमान बिल्कुल खाली दिखाई देता है. वहाँ पे कोई एरोप्लेन दिखाई नहीं देती है. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था. ही कुड नॉट सी इट एनीवेयर. और वो कहीं भी अपने आसपास उस प्लेन को नहीं देख पा रहा था. He went and asked the woman in the control center when he was and who the other pilot was. वो जो है कंट्रोल, जो जहाँ पे उसने एरोप्लेन लैंड की थी वहाँ पे कंट्रोल रूम था. उस कंट्रोल रूम में वो जाता है, वहाँ पे एक वुमेन रहती है. उससे जा कर के वो इंक्वायरी करता है कि दूसरा पायलट कौन था इस समय आसमान में, दूसरा पायलट कौन था. सी लुक्ड एट द ऑथर वॉज स्ट्रेंज. सी लुकड एट द ऑथर वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. वो ऑथर को बहुत ही स्ट्रेंजली देखती है और फिर वो हंसने लगती है. सी सेड अनदर एरोप्लेन. और फिर वो क्वेश्चन करती है, दूसरा एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म. इस तूफान में ऊपर कोई दूसरा एरोप्लेन.
नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज तो कोई भी जो है एरोप्लेन जो है नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और रडार पे जैसे वो चेक करती तो वो पाती सिर्फ और सिर्फ जो है ऑथर का ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था और कोई भी ऊपर नहीं था। सो सी हेल्प द ऑथर टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। सो हू हेल्प द ऑथर टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो। फिर किसने जो है ऑथर की जो है सहायता की उसको आसानी से सुरक्षित जो है वहाँ पहुँचने के लिए किसने सहायता की, जबकि उसके जो है एरोप्लेन का कंपास रेडियो और जितने अदर इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब क्या हुए थे, वो दे हैड स्टॉप्ड वर्किंग, वो काम करना बंद कर दिए थे, और यहाँ तक कि उसके टैंक में फ्यूल भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, और उस दूसरे ब्लैक एरोप्लेन में दूसरा पायलट कौन था जो बहुत ही रहस्यमयी ढंग से उसको मिला आसमान में और फिर अचानक से गायब हो जाता है। तो उस तूफान में उस जो है बिना किसी जो है उस एरोप्लेन में कोई लाइट भी नहीं होती, तो वो दूसरा पायलट कौन था। यहाँ पे क्या होता है कि पोएट के माइंड में ये इमेजिनेशन, ये सारे क्वेश्चंस जो है होते रहते हैं, एंड देयर इज़ नो आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होता है, और वो वहाँ पर शॉक्ड होकर के रह जाता है। स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पॉइंट वाइज समरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।